ये डॉलन्स डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन का इंडोर सर्किट है, इंडोर पीसीबी है। देखें हमने पूरा सेटअप लगाया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें इलेक्ट्रिक लगी हुई है, आगे ले जाएं, देखें ये पूरा आउटडोर सर्किट के साथ अटैच है। देखें आप लोगों के लिए हमने आउटडोर सर्किट खोल के रखा है ताकि हम आपको बता सकें कि जो एरर्स हैं वो क्यों आते हैं और उनकी वजह क्या होती है। अब सबसे पहले जो एरर कोड हम डिस्कस करेंगे वो है F4। तो चलिए हम इस यूनिट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये एरर क्यों आता है। ये देखें अब इसको ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक पास करेंगे, ये देखें इलेक्ट्रिक पास करने के बाद देखें इसको हमने ऑन कर दिया, ये इस वक्त 16 पे है, ठीक है जी। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्यों आता है, इसके एरर आ जाए तो हम आपको बताते हैं क्यों आता है। ये देखें जी अब F4 एरर डिस्प्ले पे आ चुका है, ठीक है जी। जब F4 एरर आपके एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पे आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आउटडोर का, ये देखिए पूरा ये पीसीबी है, ठीक है, जो कि हमने खोल के रखा हुआ है आसानी के लिए। तो इसका जो डिस्चार्ज पाइप सेंसर है, ये रेड कलर का कनेक्टर है इसका, ठीक है जी, तो ये फॉल्टी हो चुका है, इसका में शॉर्ट सर्किट है। और या फिर अगर इसको तब्दील करने के बाद भी ये फॉल्ट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पीसीबी आउटडोर पीसीबी सर्किट में मसला आ चुका है, या तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा और या फिर चेंज करना पड़ेगा जी। दोस्तों अब जो अगला एरर कोड हम डिस्कस करेंगे वो है F6 जी। दोस्तों अब देखें F6 एरर आ चुका है डिस्प्ले पे। इसी तरह आपके अगर एयर कंडीशनर पर F6 एरर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो आउटडोर के पीसीबी है उसका ये एग्जॉस्ट पाइप टेम्परेचर सेंसर या कंडेंसर पाइप सेंसर इसको कहा जाता है, ये ब्लैक कलर में इसका कनेक्टर है, तो ये फॉल्टी है, या तो ये ख़राब हो चुका है या शॉर्ट सर्किट है। अगर ये तब्दील करने के बाद भी आपका ये फॉल्ट नहीं जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके आउटडोर पीसीबी में मसला है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा या उसको फिर मुकम्मल चेंज करना पड़ेगा।